What's up guys, how are you? Welcome back to Salt Gamer, another gameplay video. So guys, today we are going to talking about Minecraft new update 1.19 beta. So let's start. तो अभी ना गाइज यार देखो, आप सभी लोगों ने मुझे पता है इस वीडियो पे क्यों क्लिक करा है। आप सभी लोगों को चाहिए यार, जो अपना Minecraft में जो सबसे ज़्यादा बड़ा अपडेट आया है, जो अपने Minecraft में एक बायोम ऐड हुआ है, उस बायोम का क्या नाम था? हाँ, उस बायोम का नाम था यार हमारा मैनग्रोव स्वैम्प बायोम। तो गाइज यार, इस बायोम को आप सभी लोगों को भाई सीड चाहिए। तो यार सीड की बात यार आप सभी लोग टेंशन मत ले, वो जो सीड है मैं आप सभी लोगों को यहाँ पर दे दूंगा। तो गाइस यार अभी ना हम इसकी यार कुछ अपडेट्स के बारे में देख लेते हैं। तो यार यहाँ पर देखो अपना जो कुछ अगर कुछ क्रिएचर्स में ऐड हुआ है, तो यहाँ पर भाई ये आप देख सकते हो एक फ्रॉग, मतलब कि यार यहाँ पर मेंढक ऐड हुआ है। और ये जो भाई अपने फ्रॉग होते हैं ना, ये आपको भाई इसी वाले बायोम में देखने के लिए मिलने वाले, मतलब कि जो नॉर्मल वाला जो वाटर होता है उसके अंदर आपको ये देखने के लिए नहीं मिलेंगे। ये सिर्फ आपको यहाँ पर मैनग्रोव स्वैम्प वाला जो बायोम है उसके अंदर ही यहाँ पर जो अपने ये मेंढक है ये देखने के लिए मिल जाएंगे। एंड इसी के साथ साथ मैनग्रोव में भाई आपको यहाँ पर भर भर के बीज देखने के लिए मिल जाती है। तो अभी ना यार देखो मैं ऊपर को उड़ के आप सभी लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ कि यहाँ पर कितनी सारी इसमें बीज आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो अभी देखो यार यहाँ पर आपको दो तीन तो दिख ही चुकी होंगी, लेकिन भाई मैं जैसे है तो ऊपर जाऊँगा और मैं इसका आप सभी लोगों को फुल मतलब फुल नज़ारा दिखाऊंगा। तो आपको यहाँ पर जगह जगह पर भाई यहाँ पर आपको जो बीज होती हैं हनी बी, वो देखने के लिए यार इस वाले बायोम में मिल जाती हैं। भाई ये बायोम काफ़ी ज़्यादा भाई खतरनाक, मतलब रेयर टाइप भी समझ लो। और इसमें क्या रहता है कि यार यहाँ पर भाई आपको जो वाटर है वो भी कुछ अलग टाइप का, और जो इसके ब्लॉक्स है ना जहाँ पर ये उगता है वो भी अलग टाइप का ही है। एंड ये जो जिस पे ये मतलब ये ट्री है ना भाई, ये ट्री टाइप नहीं है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि ये जो इसकी जो आर पार हम देख सकते हैं, इसका जो लॉग है उसके आर पार हम देख सकते हैं। एंड इसके लॉग का भाई आप सभी लोग मतलब कुछ बना नहीं सकते, जैसे कि हम इसका प्लैंक व्लैंक अगर आप ये सोच रहे हो तो ये बिल्कुल भी नहीं बना सकते, क्योंकि जो भाई इसके लॉग है इसके आर पार हमें दिखता है। एंड इसको हम भाई कलेक्ट वैसे मैं कर सकते हैं इसको कलेक्ट, लेकिन मैं अभी क्रिएटिव में हूँ तो मैं कलेक्ट नहीं कर सकता। तो अब यार इसके देख लेते हैं हम इसके जो दूसरे अपडेट्स है भाई वो क्या है। यार अब मैं दूसरे अपडेट की बात करूँ तो यार देखो दूसरा अपडेट अपना ये जो अपनी बोट है वो भाई आपको यहाँ पर चेस्ट के साथ देखने के लिए मिल जाती है, जो कि भाई हम सभी लोग पहले एक हैक लगाने के बाद इसको खेलते थे, मतलब कि ये पहले नहीं थी, लेकिन अब माइनक्राफ्ट ने भाई ऑफिशियली इसको भाई अपने जो ऑफिशियल वर्जन है उसके अंदर लॉन्च कर दिया है। तो यार यहाँ पर आप सभी लोग क्या करना होता है ये आपको पता ही होगा भाई, हमारे यहाँ पर बोट है, बोट के साथ साथ हमें यहाँ पर एक चेस्ट दी जाती है जिसके अंदर यार हम अपना सारा सामान जो है यहाँ पर भाई रख सकते हैं। तो अब यार देखो देख लेते हैं अब दूसरा जो अपना नेक्स्ट अपडेट है यार, जो जिस मैंने अपनी जो की बात करी थी ना यार, तो देखो यार जो फ्रॉग है ना यार उसको हम मार के यहाँ पर भाई उसकी लाइट भी बना सकते हैं, मतलब कि भाई यार उसको किसी तरह से आप सब लोग किल करके उसको भाई क्राफ्टिंग टेबल में जाके क्राफ्ट कर सकते हैं। वो मैं आपको अभी नहीं दिखाऊंगा क्योंकि यार अभी मतलब मुझे भी नहीं पता वो उसको किस तरह से क्राफ्ट करना है, मतलब अगर मैं मेंढक को मैं मारूंगा अभी तो यार वो अभी मुझे कलेक्ट नहीं होगा क्योंकि भाई मैं अभी क्रिएटिव में हूँ। तो यार यहाँ से मैंने आपको ये लाइट दिखा दी कि आप यार फ्रॉग से अलग अलग तरीके की लाइट बना सकते हो। और ये जो लाइट है यार मुझे पहली वाली जो लाइट्स होती थी, जो लाइट के ब्लॉक होते थे, मैं मुझे इनका नाम तो याद नहीं आ रहा, बट भाई ये उनसे मुझे काफ़ी ज़्यादा बेस्ट लगी, क्योंकि इसके अंदर जो ये शेड्स आ रहे हैं ना भाई हल्का हल्का देखो ग्रीन टाइप का, एंड येलो वाले में येलो टाइप का, एंड ये पर्पल वाले में पर्पल टाइप का, ये भाई मुझे काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रहा है। और अगर हम इसको घर में लगाएंगे ना तो यार ये काफ़ी ज़्यादा बेस्ट लगेगा। तो गाइस यार अगर हम बात कर लें अपने भाई जो नेक्स्ट है वो है यार यहाँ पर हमारी मड। तो गाइस यार यहाँ पर हमारे इसमें मड हुई है एक ऐड जो कि हमारी न्यू ब्लॉक में भाई। गाइस यार अब हम बात कर लेते हैं यार अपने यार देखो दूसरे अपडेट की, लेकिन उससे पहले यार यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यार अंधेरा हो रहा है, तो मैं यहाँ पर ना थोड़ी बहुत ये वाले ब्लॉक लगा कर रोशनी कर लेता हूँ, और इससे मुझे पता भी चल जाएगा, मतलब एक आइडिया हो जाएगा कि ये भाई कितनी ज़्यादा रोशनी देते हैं और ये कहाँ कहाँ पर लग सकते हैं। वैसे यार ये जो अपनी वाइन से ये इसके ऊपर भी शायद से लग सकते हैं, वैसे पिछले वाले जो ब्लॉक थे वो भी लग सकते थे। एंड यहाँ पर देखो अब रोशनी तो हो ही चुकी है, अब भाई हम यहाँ पर दिखा देते हैं जो अपना सबसे बड़ा नेक्स्ट क्रिएचर ऐड हुआ है, जिसकी यार आप सभी लोगों को बेसब्री से इंतजार था, वो यार अपना वार्डन। तो यार देखो मैंने वार्डन यहाँ पर ऐड कर दिया है, एंड इसके स्पॉन होती भाई जो अपनी लाइट्स हैं वो भी काम करना बंद कर देती हैं, जिसका मतलब ये होता है कि यार ये जो वार्डन ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और ये भाई अगर हम इसकी गोलम के साथ फाइट करवाएं तो मैं आपको बता दूं मैं सिंपली कि ये गोलम को आसानी से हरा सकता है, ये एक बार में दो गोलम को हरा सकता है। और मुझे भाई यहाँ से निकल लेना चाहिए क्योंकि भाई ये मैं इसके पास जितना जा रहा हूँ उतना ही ये अंधेरा करता जा रहा है और ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक क्रिएचर है। तो यार देखो मैंने सीड आप सभी लोगों को वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो यार वहाँ से आप सभी लोग उसको यार कॉपी करके अपनी वर्ल्ड में खेल लेना। और यार इस वर्ल्ड की एक और खास बताऊं यार, यहाँ पर आपको जहाँ पर आप सब लोग स्पॉन होने वाले हो वहाँ पर आप लोगों को भाई एक विलेज भी देखने के लिए मिल जाता है। तो यार मैं तो आपको भाई यही सजेस्ट करूंगा कि भाई आप वहीं पर अपने एक मस्त सा घर बनाओ, एंड आपको भाई बायोम भी इसके बराबर में मिल जाता है जो अपना मैनग्रोव स्वैम्प बायोम है। तो गाइस यार अभी देखो मैंने आपको सारे अपडेट्स बता ही दिए हैं। सो बाय द वे गाइस, आई होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो, इफ यू डिड प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट्स, एंड इफ यू आर न्यू हिट द सब्सक्राइब बटन। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।